सो गाइज, क्या आप लोग भी मेरे तरह ऐसा रील्स एडिटिंग करना चाहते हो? तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखना है। आप लोगों को इस वीडियो को एकदम पूरा शुरू से लास्ट तक देखना होगा बिना एस्केप किए, तभी आप लोग एकदम ध्यान से समझ में आएगा, तभी आप लोग ऐसा वीडियो एडिटिंग करना सीख पाइएगा। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को एक बैनर बनाना होगा, जो कि मैं ही बताऊँगा आप लोगों को बैनर कैसे बनाना है और वो वीडियो भी कैसे बनाना है फ्लैग वाला। तो आप लोगों को देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से पीसेट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ से बैनर बनाने के लिए हमें एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से देखिए मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आप लोग इस वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखिए, तभी आप लोग ऐसा एकदम पूरा रियल तरीके से एकदम पूरा बताऊँगा आप लोगों को, पूरा फुल्ली तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों देखिए, आप लोग कुछ करना नहीं है, यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है। लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड को जो है थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ से देखिए क्रॉप आइकन पर क्लिक करके यहाँ से देखिए इस वाले फ्रेम को जो मैं यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए आप लोग इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद आप लोग यहाँ से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ से नाम लिखना है गाइज। तो आप लोग यहाँ से आप लोग जिस नाम से बनाना होगा आप लोगों को बैनर ये फ्लैग वाला वीडियो, तो आप लोग यहाँ से कोई भी आप लोग नाम लिख सकते हैं। तो देखिए मेरा अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से देखिए कैश एडिटिंग यहाँ से लिख दिया हूँ। इसको यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कराने के बाद आप लोगों को करना नहीं है कुछ, आप लोग यहाँ से देखिए कुछ इमोजी भी डाल सकते हैं इसमें। इमोजी देखिए मैं यहाँ से एक ये इमोजी ले लिया हूँ और यहाँ से नीचे की ओर इसको बैठा देता हूँ। बैठाने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट करा लेता हूँ एकदम बढ़िया से। तो आज देखिए आप लोग यहाँ से इतना भी जो ये स्टाइल आया है, यहाँ से आप लोग कोई सा भी यहाँ से स्टाइल भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई एक स्टाइल रख लेता हूँ। यहाँ से स्टाइल रखने से बाद के बाद गाइज आप लोग कुछ करना नहीं है, यहाँ से देखिए क्या करना है आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ से अपने नाम को जो है 3D भी बना सकते हैं। यहाँ से साइड वाले आइकन पे क्लिक करके, मतलब थोड़ा सा इस लगेगा लेकिन एकदम पूरा एकदम रियल लगेगा। आप लोग एकदम देख सकते हैं कितना हमारा नाम एकदम जो है एकदम डेंजर लग रहा है अब। तो अब क्या करना है गाइज, आप लोग यहाँ से देखिए स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक हम किंग वाला जो है PNG जो यहाँ से ऐड करेंगे गाइस। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, किंग लिखेंगे यहाँ से, तो आप लोगों को यहाँ से आ जाएगा PNG। तो यहाँ से देखिए हमारा थोड़ा वेट लग रहा है, हमारा नेट जो है थोड़ा स्लो चल रहा है गाइस। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ से कितना सारा यहाँ से आ चुका है किंग वाला PNG। तो यहाँ से देखिए ये वाला मैं PNG ले लिया हूँ। लेने के बाद आप लोगों को यहाँ से कुछ इस टाइप का यहाँ से एडजस्ट करा लेना है। आप लोगों जहाँ मर्जी वहाँ वहाँ आप लोग यहाँ से एडजस्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप ऑब्जेक्टिव को यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेते हैं गाइज। कब करने के बाद यहाँ से इसको डन कर लेंगे फ़ोटो को। अब क्या करेंगे, इस फोटो को जो है अपने गैलरी में जो है सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप लोग गाइज, चलिए आप लोगों को बताता हूँ अब फ्लैग को जो है अपने नाम के साथ कैसे जोड़ें। तो देखिए आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ से गूगल पे आ जाना है गाइज। सॉरी गाइज, गूगल पर आने के बाद यहाँ से फ्लैग WAVR वेवर लिखना है। लिखने के बाद आप लोग यहाँ से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद गाइज आ जाता है आप लोगों को मेन पॉइंट। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से आ चुका है हमारा फ्लैग वाला टेम्पलेट। आने के बाद आप लोग करना कुछ नहीं है गाइज, यहाँ से देखिए अपना हमारा जो है फ्लैग आ चुका है यहाँ पे। आने के बाद आप लोग को यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये झंडा इधर उधर डल रहा है। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को इस झंडे को सही करने के लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए 3 डॉट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कोने पे, तो इस पर क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे ना गाइस, तो यहाँ से विंड कंट्रोल लिखा होगा आप लोग को यहाँ, सॉरी गाइस देख सकते हैं विंड कंट्रोल कर लेंगे ना यहाँ से, तो आप लोगों का जो ये फ्लैग है इधर उधर मतलब नहीं हिलेगा, एकदम प्रॉपरली तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ से देख ही सकते हैं यहाँ से आप लोग स्पीड दिया है, यहाँ से MB भी दिया है, यहाँ से स्टॉप क्लासिक, यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को जो बैनर बनाए थे हम, वो वाले बैनर को जो यहाँ से आपने फ्लैग में यहाँ से
ऐड कर लेंगे गाइज। ऐड करने के बाद गाइज आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आप हमारा जो झंडा है बहुत ही तिरछा हो गया है। तो यहाँ से देखिए थ्री लाइन वाले बीच वाला जो एक आइकन दिख रहा है उसके साइड वाला ऑप्शन क्लिक करिएगा तो आप लोगों का फ्लैग भी एकदम पूरा सीधा हो जाएगा। होने के बाद आप लोगों को देखिए यहाँ से आप लोगों को यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज करने को मैं बताऊँगा। यहाँ से देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से थ्री डॉट पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए टॉप वाले नीचे आप लोगों को एक आइकन दिख रहा होगा स्टैंडर्ड, इसको यहाँ क्लिक करिएगा तो यहाँ से देखिए गाइस नीचे आने के बाद यहाँ से क्लासिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से देखिए आप लोग यहाँ से बादल भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड वाला, यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ से नाइट्स वो लगा सकते हैं, यहाँ से ब्लू स्काई लगा सकते हैं, यहाँ से बहुत मतलब तीन आइकन दिया है। तो यहाँ से देखिए ये वाला मैं रख रहा हूँ यहाँ से बादल वाला। तो आप देखिए क्या करना है हमें, यहाँ से कट कर लेना है इसको। कट करने के बाद आप लोगों देखिए यहाँ से कितना एकदम ठकास तरीके से हमारा फ्लैग जो है एकदम स्पीड में उड़ रहा है आप हमारा देख सकते हैं। अब क्या करना है गाइस आप लोगों को यहाँ से अपने स्क्रीन रिकॉर्ड अपने फ़ोन का जो है चालू कर लेना है। तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ से चालू हो चुका है। तो आप लोगों को यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे तो आप लोगों का इसमें सेव करने का ऑप्शन नहीं देता है गाइस, आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही करना होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ने